Okay, hello to everyone. I'm Anup, Anup Dubey, and welcome to Home Classes of Mathematics. My dear friends, देखिए अभी जो है आप लोग का सीड चल रहा था क्लास में, बच्चों के साइंस क्लास में सीड चल रहा था, स्ट्रक्चर ऑफ सीड था और कैसे ये जर्मिनेट करते हैं उसके बारे में बताना था। तो सीड्स थे अलग अलग ग्रेन्स और अलग अलग क्रॉप्स के बारे में थोड़ा बताना था बच्चों को। तो बच्चे जो है कुछ बना के लेके आए हैं, जैसे यहाँ पे है सुरभि कुमारी और सुरभि कुमारी ने देखिए कितना सुंदर सा बनाई है ये। तो देखिए उन्होंने पूरे चावल से जो है वो होम क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स लिखी हैं, साथ ही साथ अपने ये सीड्स वगैरह लिखी हैं, बनाई हैं, दी हैं। अच्छा है। अच्छा भाई ये बताइए यह जो बनाई है उसमें किसका किसका मदद लिए हैं आप? सुरभि कुमारी इधर आइए, आप किसका किसका हेल्प लिए हैं बनाने में? इधर घूमिए के ब्रेक साइड। इसमें अकेले बनाई है बस मम्मी ये चावल। अच्छा चलो भाई एक बार कस के क्लैपिंग करें इनके लिए। तो भाई देखो अकेले बनाई है और अलग अलग सीट देखी है इन्होंने, अलग अलग सीट जो है ये लेके आई है और उसको चिपकाई है। अच्छी बात है, ऐसे बहुत सुंदर लग रहा है और अच्छा कर सकती है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। चलिए बैठिए, नेक्स्ट देखिए कौन है। यस ओके, तो यह है अनन्या कुमारी और अनन्या कुमारी ने देखिए एक स्ट्रक्चर ऑफ सीड में बनाया कि भाई एक सीड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या क्या चीज होते हैं, उसके सभी पार्ट्स को इन्होंने नाम लिखा है। अच्छा है। तो अनन्या कुमारी या आप अकेले बनाइए, इसमें किसी की हेल्प ली है? दीदी की हेल्प ली है। ठीक है, तो बताइए आप इसमें बनाई है तो कुछ समझिए कैटिलेडोन्स क्या होते हैं और जो होता है आपका सीड कोट वो क्या होता है? इधर आप समझी है बीज को, सीड कोट कहाँ रहता है, कैटिलेडोन्स किधर होते हैं? सर नीचे साइड में रहता है। चलिए लेकिन थोड़ा सा जानकारी लीजिए, बनवाने का मकसद यही होता है, थोड़ा सा उसमें आप लोग जानकारी लीजिए, ठीक ना। चलिए आइए नेक्स्ट। ओके तो नेक्स्ट है यह जो है अंश बाबू, बाप रे बाप इतना बड़ा लेके आए, अकेले बनाए हैं? अच्छा ये तीन लोग मिलकर बनाए हैं। देखिए कौन कौन तीन लोग हैं भाई? ये तीनों लोग हैं जो मिलकर बनाए हैं, अंश हैं और सबसे शैतान जो है व्यक्ति सीधे साधे आदमी है आदित्य कुमार और अंकित राज, ये तीन लोग मिलकर बनाए हैं। तो इनका घर तो बहुत दूर है, वो कैसे हेल्प किया आपका? सर ये यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे हेल्प किए हैं, तो क्या चीज में हेल्प किए हैं आप लोग को? लिखवाने में, ठीक ना। चलिए बहुत अच्छा, देखिए बहुत सुंदर इन्होंने किया है। देखिए सीड्स को जो भी है यहाँ पे, देखो सीड्स चावल दाल इन सब को इन्होंने पैक किया है, बहुत अच्छा बाबू। इसको आप लोग आप जरूर चिपकाइए बाबू, इसको आप जरूर चिपका दीजिएगा क्लास में, बहुत सुंदर लग रहा है। इन्होंने ऐसे चिपका दिया है क्लास में, सॉरी पैकेट में, ऐसे ही पैकेट में चिपकाने के लिए बोल रहे थे बाबू, ऐसे पैकेट में चिपकाएंगे आप लोग, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छा है बाबू। एक बार इनके लिए क्लैपिंग कीजिए तो आप लोग बाबू आओ, बहुत सुंदर है। और लास्ट ये जो बनाए हैं व्यक्ति कौन है? लाइए बाबू लेके आइए। और ये राजवीर और अयान हसन दोनों मिलकर बनाए हैं। अच्छा दीदी एक नाम भी लिखी, देखिए कितना सुंदर इन्होंने बनाया है। और इसमें दो चीजें होमवर्क मिला था बाबू, देखिए दो चीजों का मैंने होमवर्क दिया था, एक तो भाई आप सीट कलेक्ट करें उनके नाम लिखे उसके बारे में जाने, दूसरा उसके स्ट्रक्चर को जाने, जो इन्होंने दोनों किया है बहुत अच्छे से किया है इन्होंने, बहुत अच्छा लग रहा है। सभी प्रकार के सीड्स को इन्होंने किया है। और ये बाबू किस चीज का सीड है? कोरिएंडर, वेरी गुड। एंड दिस इज मस्टर्ड सीड, वेरी गुड। एंड दिस इज वीट, वीट है बाबू, गेहूं है, बहुत अच्छा लग रहा है। और देखिए इन्होंने ये बताया है यहाँ पे आपको, यहाँ पे फूड का बनाना चाहिए बाबू, फूड कहाँ पे है, ये आपका क्या है सीड कोड, ये सब कुछ बहुत अच्छा बाबू, बहुत रहे इम्प्रूव, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से बनाया है, बहुत सुंदर लग रहा है। इसको इस क्लास में लगा दीजिएगा, चाहे वो तो वन वाले क्लास में, क्योंकि उसमें पढ़ाना भी है, बहुत सुंदर। एक बार इनके लिए कसके स्पेशल क्लास को, थैंक यू वेरी मच बाबू। और इसमें एक वो ऐसा टंगना